मैं हूं मान्या एंड वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। मैं लेकर आई हूं आपके लिए बॉलीवुड की ट्रेंडी खबरें। सारा अली खान पिछले दिनों अपनी बिकनी को लेकर खूब ट्रॉल हुई है। अपने भाई को बर्थडे विश करने के लिए सारा ने जो तस्वीरें पोस्ट की थी उनमें वो बिकनी में नजर आ रही थी। बस इसी बात पर ट्रॉलर उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। लेकिन अब की बार सारा एक दूसरी वजह से लोगों के निशाने पर आ गई है। ये तस्वीरें सारा अली खान ने पिछले दिनों अपने इंस्टा पर शेयर की थी। ये तस्वीरें उस वक्त जब वो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए गई थी। सिर पर तिलक और गले में माला पहने सारा की ये तस्वीरें खूब पसंद की गई थी। सारा अली खान अपनी माँ अमृता सिंह के साथ गंगा आरती देखने भी गई थी और इससे जुड़ी तस्वीरें भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। लेकिन अब कई लोग इन्हीं तस्वीरों को लेकर काफी भखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। काशी विद्वत परिषद ने इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि सारा मुस्लिम है और वो काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में कैसे घुस सकती हैं। हालांकि शिकायत के फौरन बाद मंदिर प्रशासन की तरफ से सफाई भी आ गई कि सारा ने गर्भगृह में जाकर दर्शन नहीं किए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO विशाल सिंह ने बताया कि सारा अली खान ने मंदिर के भीतर जाकर दर्शन किया है। फिर भी काशी विश्वनाथ मंदिर की CCTV की जांच की जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अयोध्या के कई संत सारा के समर्थन में उतर आए हैं और उनका कहना है कि पूजा पाठ करने का अधिकार सभी को है। सारा अली खान पिछले दिनों फिल्म अतरंगी की शूटिंग के सिलसिले में वाराणसी गई थी और इसी दौरान बनारस की गलियों में घूमते हुए उन्होंने अपने वीडियो भी पोस्ट किए थे। बहरहाल सारा अली खान ने अब तक इस विवाद पर कोई भी बयान नहीं दिया है। ऐसे में जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि गर्भगृह के भीतर वो गई भी थी या नहीं, तो ये विवाद तो थमता नजर नहीं आता। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, MyFM इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले एपिसोड में मैं लेकर आऊंगी आपके लिए ऐसी ही चटपटी और ट्रेंडी खबरें। तब तक के लिए बाय बाय।